हेलो नमस्कार प्रणाम, हम सौम्या पोखरेल और ये आए हैं इंडिया से। कौन सा जगह से? बिहार से, नरकटियागंज से। नरकटियागंज से जी। और ये मेरा घर बीरगंज है, तो ये 4 दिन से बीरगंज में किसी अनजान के घर में रह रहे थे, हमको नहीं पता है कि ये आए हैं। तो आज मेरा शॉप पर ये आए हैं मिलने के लिए, तो आज पता चला कि ये ऐसे ही अनजान आदमी के घर में बैठ रहे थे, किसी के भी घर में। और ये बहुत कोशिश की है मेरे को ढूंढने को, तो आज ये मिल इनको मैं मिली हूँ 4 दिन में। तो मैं खुद ही सोच रही हूँ कोई इंसान वहाँ से आके यहाँ पर किसी के घर में कैसे रहते हैं। आप बताइए कहाँ कहाँ रहे? हम यहीं पर, मतलब यहाँ से बॉर्डर तक से लेकर के वहाँ पर घंटा घर, एक वहाँ पर मतलब इतने दूर में हम घूम रहे थे 4 दिन तक। फिर एक दोस्त बोला, पूछ रहे थे, कोई नहीं बता रहा था, कोई बोला था हमको पता है, कोई बोला था हमको पता नहीं है। तो ऐसे ही करके 2-3 दिन दोस्त किए गए, उसके बाद में एक दिन मामा किए रहे, उसके बाद में आई तो मिले गए 5 बजे। ये है कि बहुत लोग से पूछे तो बहुत लोग मतलब नहीं बता रहे थे, बहुत लोग बता भी रहे थे, तो ये पहली बार आए तो ये कंफ्यूज हो रहे थे, तो आज ये पूछते पूछते यहाँ पर आए हैं। तो ये मैं खुद ही सोच रही हूँ कि देखिए उतना दूर से के छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े भी नहीं हैं, तो मिलने के लिए ऐसे 4 दिन किसी के घर में रहना मतलब मामूली बात नहीं हुआ, वो भी अनजान जगह पर। मतलब ये इनका प्यार है मेरे लिए, ये इतना सपोर्ट करते, प्यार करते, तो इतना दूर से मिलने आए। थैंक यू सो मच, आपको ऐसे ही प्यार करिए और आशीर्वाद और दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है?